बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी के राज्यसभा उम्मीदवार पर सवाल खड़े कर दिए हैं और दावा किया है कि आज भी वहां सब कुछ जेल से ही तय होता है। सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि आरजेडी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सीनियर सदस्य भी नहीं जानते। राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार तय करना किसी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन लगता है कि आरजेडी ने इसके लिए कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं अपनाई। वो सड़क पर लोकतंत्र बचाने का नाटक तो खूब करते हैं, लेकिन किसको टिकट मिलना है ये जेल से तय करते हैं। साथ ही मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद ने जब कुली चपरासी की नौकरी देने और रेलवे के होटल के बदले लोगों की जमीन लिखवा लेने में संकोच नहीं किया, तो वो एमपी, एमएलए, एमएलसी के टिकट केवल धरना प्रदर्शन करने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं को कैसे दे सकते हैं। जनता देख रही है कि लोकतंत्र को गरीबों की झोली से छीन कर अमीरों की हवेली में कौन पहुँचा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने अमरेंद्र धारी सिंह और प्रेमचंद्र गुप्ता का नाम घोषित किया है। न्यूज डेस्क।